नमस्कार दोस्तों, मैंने आपका स्वागत करता हूँ एआर म्यूजिक में। और दोस्तों आज की वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कॉर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, आपको कॉर्ड के बारे में समझाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, सस्पेंडेड टू, सस्पेंडेड फोर्थ, फिफ्थ कॉर्ड, ऐसे कई तरह की कॉर्ड के आपने नाम सुने होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको केवल मेजर और माइनर पता है, जो बिगिनर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो पता होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। तो आज की वीडियो स्पेशली कॉर्ड के ऊपर है। आज मैं आपको सरल और हिंदी भाषा में किसी भी कॉर्ड को याद करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप किसी भी कॉर्ड को इजीली प्ले कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। आपको अलग अलग स्केल के नोट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप सी मेजर दे रहे हैं, फिर आपको ई मेजर देना है, तो आपको नोट्स के नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको एक बेसिक थ्योरी बताऊंगा जिसके हिसाब से आप किसी भी स्केल से, किसी भी नोट से इजीली कॉर्ड बना पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 10 कॉर्ड बताऊंगा, क्योंकि कॉर्ड्स बहुत सारे हैं और सारे कॉर्ड्स एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सारे कॉर्ड्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप खुद उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं, आपको 10 कॉर्डों के बारे में बताऊंगा। बाकी और इसके पार्ट आएंगे सेकंड थर्ड, तो उसमें और भी बहुत सारे कॉर्ड्स मैं आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कॉर्ड्स के बारे में, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कॉर्ड की बेसिक थ्योरी की, तो जब दो नोट या दो से ज़्यादा नोट एक सेम टाइमिंग प्ले होते हैं तो हम उसको कॉर्ड कह सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं जिनको हम कॉर्ड कहते हैं, जैसे कि मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, सस्पेंडेड कॉर्ड, ऑगमेंटेड, डिमिनिश्ड। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कम यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत ज़्यादा कम यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन जो बहुत रेयर केस में आपने सुने होंगे या फिर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, आप भी कोई कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हैं, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं तो अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं अभी स्केल ले रहा हूँ सी शार्प का, ठीक है, क्योंकि स्केल ईजी है, क्योंकि जो हारमोनियम प्लेयर हैं उनके लिए भी ईजी रहेगा स्केल समझना, और जो हमारे पियानो और कीबोर्ड प्लेयर हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो मैं सी शार्प की स्किल से आपको क्लियर करूंगा कि आप कोई भी कॉर्ड लगाते हैं तो उसकी सरल और आसान थ्योरी क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा जिसमें आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप कोई भी कॉर्ड लगाएं तो उसका क्या फॉर्मूला है, और इजीली आप किसी भी कॉर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हम किसी भी स्किल से प्ले करें तो हमारे कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम में 12 सुर होते हैं, ठीक है, जिसमें 7 हमारे शुद्ध होते हैं, हमारे 4 कोमल होते हैं और एक हमारा तीव्र स्वर होता है। तो इन्हीं 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन से हमारे कॉर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉर्ड आपने सुना होगा मेजर और माइनर। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी स्केल से अगर मेजर कॉर्ड बजाना है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, आपको दबाना है सा, गा और पा। जैसे मान लीजिए हम सी शार्प से सरगम बजा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सी शार्प से बजाया। अब मान लीजिए आप इसको ई नोट से बजा रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए आपको सी शार्प मेजर पता है लेकिन आपको ई मेजर नहीं पता है, ठीक है, तो बहुत इजीली आप ढूंढ पाएंगे सी मेजर का जो कॉर्ड लगेगा वो लगेगा सा, गा और पा। आपने इस तरह से यहां पे कॉर्ड दिया तो ये मेजर कॉर्ड बन गए, ठीक है। थ्री फिंगर कॉर्ड, फोर फिंगर कॉर्ड, इनवर्स कॉर्ड, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जान लेते हैं कि किसी कॉर्ड को अगर हमें लगाना है तो उसकी बेसिक थ्योरी क्या है और कौन कौन से सुर में यूज करने हैं, ठीक है। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हमें जी नोट से बजाना है, जी नोट के हमें सरगम पता है लेकिन हमें यहाँ से जी मेजर का कॉर्ड नहीं पता है, तो उसको हम बहुत इजीली बना पाएंगे। जैसे पहले हम इसकी सरगम बजाते हैं तो हमें जी मेजर से सा, गा और पा ढूंढना है, ठीक है, तो सा रे गा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इजीली जी मेजर का कॉर्ड ढूंढ पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी स्केल से अगर आपको मेजर कॉर्ड बजाना है तो आपको उसको सा, शुद्ध, गा और पा ढूंढना है, ठीक है, तो आप जब इन तीनों सुरों का कॉम्बिनेशन एक साथ बजाएंगे तो वो आपका मेजर कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों आप वो मेजर कॉर्ड कहीं से भी दे सकते हैं, जैसे कि सी शार्प मेजर, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं माइनर की तरफ, ठीक है। माइनर और मेजर में दोस्तों सिर्फ एक सुर का फर्क आता है, वो होता है गा का। जब आप माइनर कॉर्ड देते हैं तो आपका जो गा होता है शुद्ध की जगह आपको कोमल लगाना होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि मेजर से माइनर पे आते समय सिर्फ आपको अपना गा चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैंने मेजर कॉर्ड दिया ये, ठीक है, मैंने एक सुर चेंज किया यहाँ पे,
तो मैं केवल गा चेंज कर दूंगा, ठीक है, ऐसे आपको विजुअल हो रहा होगा, बाकी मैं शीट लगा दूंगा, ठीक है, सा गा पा, जैसे ही कॉर्ड प्ले होगा तो ये आपका बन जाएगा माइनर कॉर्ड, ठीक है। इसको आप किसी भी स्केल से प्ले कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ई माइनर देना है तो आपको जैसे ये शुद्ध गा है आपका तो आपको कोमल गा लगाना है, ठीक है, बाकी वही रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका माइनर बन गया, ठीक है, ये आपका बी फ्लैट माइनर, आप किसी भी स्केल से सी माइनर, ठीक है, ऐसे आपको कॉर्ड बनाने हैं तो आप किसी भी स्केल से अपना माइनर कॉर्ड इजीली इस तरह से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों मेजर माइनर तो आपने सुने होंगे और यूज भी करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो प्रोफेशनल ज्यादा हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों आते हैं फिफ्थ कॉर्ड के ऊपर। तो फिफ्थ कॉर्ड दोस्तों आप प्ले करते आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन बहुत से लोगों को खुद नहीं पता होता कि वो फिफ्थ कॉर्ड प्ले कर रहे हैं। जैसे कि जब भी आप शुरुआत में जाते हैं सीखने के लिए कहीं पे, या फिर कोई वोकलिस्ट जाता है वोकल प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको बताया जाता है कि आपको सा पा सा दबा के आपको गाना है इस तरह से, सा पा सा, ठीक है, या फिर खाली सा और पा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सा पा सा दबाने के लिए बताया जाता है, ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि सापा सा दबा के आप कोई राग गाइए या कोई बंदिश गाइए, ठीक है। तो दोस्तों जो सापा सा का जो कॉम्बिनेशन होता है या फिर खाली सा और पा का, तो हम उसको कहते हैं फिफ्थ कॉर्ड, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है फ्लैट फिफ्थ, ठीक है। तो दोस्तों फ्लैट फिफ्थ में आपको क्या करना होता है, फ्लैट फिफ्थ में आपको सा गा और साथ में लगाना होता है तीव्र मा, जैसे कि सा शुद्ध गा और तीव्र मा, जब ये कॉम्बिनेशन हम प्ले करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा फ्लैट फिफ्थ, सा गा और तीव्र मा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे राग होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे नोटेशंस होती हैं जिनमें पा नहीं लगता है, एग्जांपल के तौर पे राग मारवा, जैसे आप राग मारवा बजा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे नोटेशंस हैं, तो उसमें आप इस कॉर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉर्ड राग मारवा में, राग सोनी में काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों हमारे चार कॉर्ड हो गए यहाँ पे, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, फिफ्थ कॉर्ड और फ्लैट फिफ्थ कॉर्ड। अब दोस्तों हम चलते हैं सस्पेंडेड टू की तरफ। दोस्तों इंडियन क्लासिकल में से बहुत सारे राग हैं जिनमें गा लगता ही नहीं, यानी गंधार का यूज नहीं होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका राग वृंदावनी सारंग या फिर शुद्ध सारंग या फिर राग देश, और भी ऐसी कई नोटेशंस हैं जिनमें आपका गा नहीं लगता। तो जब दोस्तों गा लगता ही नहीं है, ना कोमल लगता ना शुद्ध लगता है, तो फिर आप उसमें क्या कॉर्ड देंगे? तो दोस्तों वहां पे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सा रे और पा का, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम इन तीन नोट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उनको एक साथ प्ले करेंगे इस तरह से, तो वो साउंड करेगा सस्पेंडेड टू। आप इसको किसी दूसरे सुर से बजा सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ई नोट से बजा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी भी सुर से आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको सस्पेंडेड टू बजाना है तो आपको सुर दबाने हैं सा, शुद्ध रे और पा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं सस्पेंडेड फोर्थ की तरफ। दोस्तों फोर्थ में क्या होता है कि जो आपका जो नोट है रे की जगह शिफ्ट हो जाता है मा पे, आपको कॉर्ड दबाना होता है सा मा और पा, ठीक है, आप इस तरह से कॉर्ड दबाते हैं, तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो आप तीन सुरों को एक साथ प्ले करते हैं, तो ये कहलाता है आपका सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ पे छह कॉर्ड हमारे क्लियर हो गए हैं, अब हम चलेंगे दोस्तों ऑगमेंटेड और डिमिनिश की तरफ। पहले हम समझ लेते हैं डिमिनिश कॉर्ड को। दोस्तों अगर आपको डिमिनिश कॉर्ड लगाना है किसी भी स्केल से, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सा, कोमल गा और तीव्र मा, ठीक है। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है, जो फ्लैट फिफ्थ था उसमें शुद्ध गा रहा था, डिमिनिश में हमारा कोमल गा आ रहा है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो अगर आप सा गा और तीव्र मा का कॉम्बिनेशन एक साथ प्ले करेंगे तो ये कहलाएगा आपका डिमिनिश कॉर्ड, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला कॉर्ड है वो है दोस्तों हमारा ऑगमेंटेड कॉर्ड। इसमें दोस्तों हमारा यूज होता है सा, शुद्ध गा और धा, इस तरह से, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे राग हैं, जैसे कि राग पूरे धनश्री या फिर राग चारुकेसी या फिर और भी ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनके अंदर आप इस कॉर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो राग मैं आपको बता रहा हूँ उनमें हमें धा पे आके रुकना होता है, तो हम पर्टिकुलर फील के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉर्ड वहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं। पर हाँ, ऑगमेंटेड कॉर्ड आप इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब भी दोस्तों हम यहाँ पे चलेंगे हमारे सिक्स्थ कॉर्ड की तरफ, ठीक है। सिक्स्थ कॉर्ड बजाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जैसे आप मेजर कॉर्ड देते हैं किसी भी स्केल से, जैसे सी शार्प से मैं मेजर कॉर्ड दे रहा हूँ सा गा पा, ठीक है, आप इसमें आपको ऐड कर देना है शुद्ध धा, ऐसे। पहले हम बजा रहे थे मेजर कॉर्ड, अब हम बजा रहे हैं धा ऐड करके। तो ये जो हमारा कॉर्ड कॉम्बिनेशन बना, ये बना है हमारा
सिक्स कॉर्ड, ठीक है। इसको भी अपनी जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे गाने में आपको सुनने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी धीरे धीरे जैसे मैं स्केल्स पे चलूंगा, राग के बारे में मैं क्लियर करूंगा। अभी जैसे कि मैंने पियानो की क्लास डाली है, हारमोनियम की मैं 8 क्लासेस डाल चुका हूँ, तो आप उनको देखते चलिए, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन कॉर्ड्स को अप्लाई कैसे करना है किसी पर्टिकुलर राग पे या फिर आप कोई पर्टिकुलर स्केल बजा रहे हैं, उनमें आप किसी एक सुर पे कैसे कॉर्ड बना सकते हैं, उसका तरीका, उसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि किसी भी कॉर्ड को प्ले करने के लिए कौन कौन से सुरों का यूज होगा। तो ये जो सारी कॉर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप याद रखिए, लिख लीजिए। बाकी मैं चार्ट आपको भी देने वाला हूँ, चार्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फ़ोन में सेव रखिए, तो आपको याद रहेगा कि आप किसी भी कॉर्ड को किसी भी स्केल से कैसे बजा सकते हैं। अब दोस्तों हमारे 9 कॉर्ड हो चुके हैं, 10वां कॉर्ड जो है हमारा वो है हमारा माइनर 6th कॉर्ड, ठीक है। तो दोस्तों माइनर 6th कॉर्ड बजाने के लिए जैसे अभी आपने बजाया था ये 6th कॉर्ड सा गा पा धा, ठीक है। इसमें आपको जो गा है आपका वो शुद्ध की जगह आपको कर देना है कोमल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये जो आप जो कॉर्ड बजा रहे हैं ये हो जाएगा आपका माइनर 6th कॉर्ड, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे आज की क्लास का आखिरी कॉर्ड था। आज मैंने आपको 10 कॉर्डों के बारे में बताया है, आने वाली क्लास में मैं आपको 7th कॉर्ड, मेजर 7th, माइनर 7th और भी जो कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन है, 9th कॉर्ड, 13th कॉर्ड, जो भी कॉर्ड्स हैं मैं आपको क्लियर करूंगा धीरे धीरे। बाकी आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने ये डिसाइड करा कि आज मैं 10 कॉर्ड के बारे में क्लियर करूंगा और आने वाली क्लासेस में जो और कॉर्ड कॉम्बिनेशन है वो भी मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई राग बजा रहे हैं या फिर कोई वेस्टर्न नोटेशन बजा रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर नोट पर जाके आप कॉर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, तो वो बहुत आसान तरीके से और बहुत ही ईजी वे में मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में जो कॉर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये जो कॉर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूं। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट में लिखें। बाकी आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।